हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आजकल काफ़ी लंबे लंबे टाइम के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज मैंने बोला बहुत अच्छी धूप है, चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। सबसे पहले मैंने गद्दे जो हैं वो छत पे पहुँचा दिए हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप है, तो गद्दों को धूप में सुखा लेते हैं। ये उनका कवर है, इनको भी मैं ले जाके धूप में सुखा लूँगी। और अभी सुबह सुबह अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, अभी तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। मैंने बोला चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे दिन भर धीरे धीरे जो भी होता रहेगा तो ब्लॉग में बने रहना आप लोग मेरे साथ। उसके बाद अभी ये छत पे सुखा लेंगे। आज है थर्सडे, मैं थर्सडे को बाल नहीं धोती हूँ, तो थर्सडे को नहाना तो होता ही है, बाल धोना नहीं होता है मेरा, और दिन मेरा फास्ट होता है, बल्कि आज मेरा फास्ट भी नहीं है। तो आजकल पता नहीं क्यों मैं इतनी सुस्त हो गई हूँ, मुझे बड़ी सुस्ती आ रही है। तो और हाँ, आप लोगों की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो मुझे लगता है जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी इसके बाद मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, उनको दिल से मैं थैंक्स बोलती हूँ। तो चलो चलते हैं अपने गद्दे के कवर को छत पर डालने के लिए। सारी चप्पलें लाइन से धो के रखें आज, धूप का फायदा। धूप भी तो देखो कितनी तेज है, देखो सारे कपड़े, धूप इतनी तेज है कि मेरे जो सुबह के कपड़े डले हुए वो सूख भी गए, क्योंकि वो कल के धुले हुए हैं, तो इतनी तेज़ धूप है। और ये मेरे गद्दे सूख रहे हैं धूप में अच्छे से, और एक गद्दा मेरा ये है, तो दोनों गद्दे मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। और पीछे मेरे कवर सूख रहे हैं, तो अच्छे से धूप लगा लूँगी, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। और जो कपड़े मेरे सूख गए उन्हें मैं नीचे लेकर जाती हूँ। तो मैं नहा गई हूँ, बाल मैंने नहीं धोए हैं इसलिए नहाया वैसा भी नहीं लगता बिना बाल धोए। और आज परी का दांत हिल रहा है बहुत ज़्यादा, उसको बहुत दर्द हो रहा है, देखते हैं दिन तक टूट जाएगा। और चेरी, चेरी को देखो, चेरी सन्नी देओल बनी है। चेरी का भी दांत हिल रहा है, इन सबके दांत हिल रहे हैं, इन सबके दांत तोड़ने पड़ेंगे एक एक करके। मेरा ऊपर से भी आ रहा है, इसका ऊपर से भी आ रहा है, और डबल दर्द होता है उसमें तो। मम्मा मौसा को हॉस्पिटल में भिजवा देंगे। मौसा जी की हड्डी तोड़ दी मैंने आज। चेरी हमारे के लिए ना, आज मैंने इनकी हड्डी तोड़ दी। ओह माय गॉड, जो कोई नहीं तोड़ सकता है वो आज हमारी मौसी ने कर दी। और हमारी शक्ति जब जाग जाती है ना तो वो परलय भी ला सकती है, परलय। क्यों बच्ची कट क्यों नहीं रहा है? उल्टा काट रहे हो तुम, इधर से काटो। सही काटा है मैंने, उल्टा काटा है तुमने। आम में भी उल्टा सीधा होता है क्या? पहले मैं टेस्ट करूंगी मीठा है कि खट्टा है। मीठा होगा तो सब खाएंगे, खट्टा होगा केवल मैं खाऊं। बहुत खट्टा है। मैं भी जरा खा के। तो मेरी आरू स्कूल से आ चुकी है और आरू की ड्रेस चेंज हो गई है, क्योंकि डेंगू सीजन चल रहा है तो उसको फुल कपड़े पहनने हैं। और देखो अपने सॉक्स और शूज़ खुद उतार रही है। आरू इधर देखो, आप थक गए? हाँ। ओ मेरा बेटू थक गया, चलो मम्मा निकालेगी। मैं खुद निकाला। क्यों? और परी अपनी मौसा जी के लिए बॉटल भर रही है पानी की। चलो आरू के कपड़े चेंज करते हैं पहले। तो दिन का टाइम हो गया है और धूप अभी तक बाहर बहुत तेज़ है, और हम लोग खाना खाने आ गए हैं सब। मैं ऊपर खाना खा रही हूँ दीदी के साथ, दीदी ने बनाया है खाने में छोले चावल, ये मेरी प्लेट है, छोले चावल सलाद अचार सब कुछ है, और बच्चे भी खा रहे हैं। और आरू को देखो। टीवी में है उसका पूरा ध्यान, खाते खाते भी ये लोग टीवी देखते हैं, मैं बोलती हूँ बंद कर दो लेकिन बात नहीं मानते। मुझे नहीं खाना है। चलो तो फटाफट पहले खाना खा लेते हैं। खाते खाते मुझे पसीना आ गए, देखो
क्योंकि आज धूप है तो गर्मी भी होगी आज। अब ऐसा लग रहा है शाम तक शायद बादल आ जाएं, लेकिन अभी तो धूप है। और मेरे गद्दे और उसका कवर सूखने वाले होंगे, वो भी उठा कर ले आऊंगे अभी, क्योंकि अच्छे खासे सूख गए होंगे, 2 घंटे से ऊपर ही हो गया है। 2 घंटे की धूप बहुत। तो चलो आ गई मैं धूप में, अपने कपड़े उठा लेते हैं, गद्दे उठा लेते हैं। मेरे गद्दे सूख सूख के पापड़ ना बन जाए। देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने गद्दा डाला था वहाँ पे तो धूप है भी नहीं, और परी की चप्पलें तो अच्छे से सूख गई जो उसने सुबह धोई थी। देखो ना, मुझे बोल थी लाओ मम्मा मैं भी आपकी धुलूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरी बढ़िया भी अच्छे से सूख गई। आजकल एक तो क्या है, बरसात में जो है ना सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बड़ी जल्दी, तो हर चीज़ को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए धूप आनी भी तो चाहिए। धूप आती ही नहीं है हफ्तों बरसात में। तो मैं ये कपड़े तो उठा ही लेती हूँ, कम से कम थोड़ा बहुत मेरा काम भी निपट जाएगा। और गद्दे मेरे सूख गए हैं, कवर सूख गए हैं, तो पहले मैं एक बारी में एक ही चीज़ उठाऊंगी, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं, गद्दा इतना भारी है। लेकर तो मेरे हस्बैंड आए थे, लेकिन अब वो ड्यूटी चले गए, तो मुझे ही नीचे तो मुझे ही ले जाना पड़ेगा। गद्दों को लाते लाते हमारे पसीने निकल गए। परी ने मेरी हेल्प करी, गद्दे मैंने बिछा दिए, बेडशीट लगा दी। इतनी अच्छी धूप होनी चाहिए कि पूरे हफ्ते का जो रुका हुआ काम है वो एक साथ हो जाए सारा। तो बाय गॉड ऐसी धूप है आज, मज़ा ही आ गया। आरू का टीवी में देखो कितना ध्यान है, कार्टून देखती रहती है पूरा दिन आजकल। तो मैंने अपना कैमरा साफ किया, थोड़ा उसमें धूल लगी थी, और मैं छत पे आई हूँ। देखो मौसम कितना साफ़ हो रखा है, एकदम साफ़, और धूप अभी भी लगी हुई है। और ये मेरा लेमन का जो पेड़ है इसमें देखो सूख गया है, थोड़ा वैसा हो रहा है, लेकिन नींबू लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। तो चलो नीचे चलते हैं, मुझे धूप में पापड़ नहीं बनना, काफ़ी तेज़ धूप है। बाकी कपड़े मेरे सूख गए थे, ये कोट थोड़ा मोटा है तो इसलिए छत पर डाला था। इसको देखो यहाँ छाता लेके बैठी है दांत तोड़ने के चक्कर में। अभी तक इसका दांत नहीं टूटा, सुबह से हिला रही है, वो मजबूत हो जाता है ना दांत। तो मैं जा रही हूँ शॉप में, टेलर की शॉप में, दीदी का सूट है वो लेकर आते हैं। परी को लेकर जाऊँगी, अकेले जाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो परी और मैं जाएंगे अभी। जहाँ भी रेडी हो जाओ, बस परी कहती है मैं चलूँगी, चेरी कहती है मैं चलूँगी, और आरू भी पीछे पीछे रेडी हो जाती है। तो मुझे तीनों में से ऑप्शन, ज़्यादातर मैं परी को लेकर जाती हूँ, क्योंकि वो इन दोनों से थोड़ी बड़ी है, दोनों छोटे हैं, तो इसलिए मैं परी को लेकर जाती हूँ। मेरा तो मैं आ गई हूँ शॉप से, और सूट मैंने दे दिए हैं दीदी को, दीदी सूट ऊपर लेके चली गई है। पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और शाम हो चुकी है, शाम के देख सकते हो आप 7 बज रहे हैं। तो चेंज कर लिया है, हो चुकी है शाम, और शाम से फिर रोज़ का वही रूटीन होता है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो जिस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता उस दिन मैं बनाती हूँ टैटू, मतलब मैं आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। एक तो मुझे इजी भी लगती है और अच्छी भी लगती है मुझे आलू की सब्ज़ी। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, आलू जब तक बॉईल हो रहा है मैं गूंदूँगी आटा और अपने काम को थोड़ा ईजी कर लूँगी, और उसके बाद आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। तो इस बार जो है मैं सब्ज़ी मंडी गई थी, तो सब्ज़ियाँ थोड़ा पहले से सस्ती हो गई, खासकर टमाटर। टमाटर की तो ऐसी रेल बनी हुई है, क्या बताऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ, इस बार मैं टमाटर लेकर आई हूँ,
70 रुपये किलो मंडी का रेट है ये 70 रुपये किलो। जो गली में सब्जी वाले आते हैं वो तो आपको अभी भी 120-140 रुपये किलो देंगे सब्जी, खास करके टमाटर। लेकिन मंडी में थोड़ा मुझे सस्ता मिला इस बार, और बाकी सब्जियां भी थोड़ी सस्ती हो गई हैं पहले से, तो मैं 70 रुपये किलो लेकर आई टमाटर। और पिछली बार मैं यही टमाटर 70 रुपये के आधा किलो लाई थी, तो थोड़ा फर्क आ गया है। हो सकता है आगे और सस्ते भी हो सकते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते रहो तो उसका रेट भी पता रहता है। तो मैं यहाँ साथ साथ आटा गूंद लूँगी और आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है, आलू अभी मेरे बॉयल हो रहे हैं, अभी आलू मेरे बॉयल नहीं हुए हैं। तो मैं अपनी बेटी का होमवर्क चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे का एडमिशन होने के बाद एक और जिम्मेदारी बढ़ती है, उसको पढ़ाना, उसको होमवर्क करना, उसका बैग चेक करना, और रोज़ सुबह उठ के उसको रेडी करना, स्कूल भेजना, तो काफ़ी सारे काम और बढ़ जाते हैं। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, अभी तो मेरी बेटी छोटी है, प्ले में है, अभी अभी उसका एडमिशन हुआ है, तो देख लेते हैं आज उसको क्या होमवर्क मिला है। अभी तो वो ट्रेस वर्क करती है, अभी ये उसका स्टार्टिंग चल रहा है। देखो उसको कल स्टार भी मिला है, बच्चों को अच्छा लगता है जब उनको स्टार मिलता है। तो देती हूँ, आधी बुक उनकी स्कूल में ही जमा होती है छोटे बच्चों की, आधी उनको घर के लिए मिलती है। सही है वरना बच्चों का बैग बहुत हैवी हो जाएगा। तो आज आरू को कोई भी होमवर्क नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको ओरल उसको पढ़ाऊंगी। आरू कहाँ से आ रहे हो आप, पढ़ाई नहीं करनी आपको? नहीं। अच्छा आज आपको होमवर्क नहीं मिला ना? थप्पड़ खाऊंगा। क्यों? अच्छा लगता है। ओके मैं अभी मारती हूँ आपको। नहीं अभी पिटाई करती हूँ। अच्छा इधर आओ, वापस आ जाओ, मम्मा नहीं मारेगी, वापस आओ। सोफे का देखो क्या हाल बना रखा है इन्होंने। तो मैं आलू छील रही हूँ, आलू बहुत गर्म हो रहे हैं। हमारी गली में इतनी रात को आम वाला आ रखा है, पहले वो बोल रहा था 100 रुपये के 4 किलो, उसको लगा कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, फिर अब वो बोल रहा है 100 रुपये के 3 किलो, और मैंने सुन लिया जब वो 4 किलो बोल रहा था, क्योंकि मेरी खिड़की से आवाज़ आ रही है बाहर। तो फटाफट आलू मैं छील लूँगी, उसके बाद बना लेंगे सब्ज़ी। रोटी बनाने में अभी टाइम है, रोटी मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, लेकिन आटा गूंद के रख लेती हूँ। काफ़ी गर्म है आलू, और मुझसे गरम गरम आलू छीले भी नहीं जाते। आज मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं, कुछ जिनको मन करता है बस देखते रहें और पूरा देखें, और जिस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है वो वीडियो तो मैं ज़्यादातर कंप्लीट ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी कुछ सीखना है यूट्यूब में, मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता, तो वही होता है ना, धीरे धीरे ही आती सारी चीज़ें, टाइम लगता है। जब मैंने चैनल खोला था तब से लेकर अब तक मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था जब मैंने चैनल खोला था। तो वही होता है ना, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो धीरे धीरे ही समझ आता है हर चीज़, तो वही बात है। तेल मेरा गर्म हो गया है, सबसे पहले जीरा डालती हूँ उसमें, और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो डायरेक्ट इसी से डाल देंगे। मेरी सब्जी अब बन जाएगी, मसाला पक गया है, मैंने ऐसे मैश कर लिया अच्छे से, उसमें डाल देंगे, और जितने भी मतलब जितनी पतली आपको आलू की सब्जी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लो, थोड़ा सा मैं इसे भी छाल कर डालूंगी। तो मेरी सब्जी बन चुकी है, तो फिर मैं यहीं पे अब ब्लॉग को एंड करूंगी, और अपनी बेटी को थोड़ी देर अब मैं पढ़ाऊंगी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी वो अपनी सिस्टर के साथ ऊपर खेल रही है, अब मैं उसे बुला लेती हूँ, थोड़ी देर उसे पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी, और आपसे भी मिलूंगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।